All right. हेलो लीना, एम आई ऑडिबल? सब कुछ ठीक ठाक? ओके कूल. सो हाय, हेलो. ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जो चीजें देख ली थी, समझ ली थी, वो ये थी कि है क्या सेटलमेंट की, अगर बात करी जाए बाय एंड लार्ज सेटलमेंट मतलब क्या होता है, और कौन कौन सी थ्योरीज हैं, मतलब थ्योरीज क्या है इन द सेंस की मॉडल्स, वो हम लोगों ने देख लिए थे. आज मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी पे थोड़ी बात कर देंगे. ऑलरेडी मैंने मॉर्फोलॉजी पे पहले बात करी हुई है, इंडियन मॉर्फोलॉजी में, जहाँ मैंने बताया था कि अगर अर्बन सेंटर्स की बात करें तो किस तरीके से आपका एशियन टाउन्स डेवलप हुए, मेडिवल टाउन्स डेवलप हुए, फिर मॉडर्न जो अलग अलग स्टाइल है आर्किटेक्चर की, वो अपने यहाँ इम्बाइब करी गई. तो ये मैंने एक जनरल बात पहले भी बोली थी मॉर्फोलॉजी में, आज उसी पे थोड़ा सा बात कर लेंगे. और दो मॉडल मैं बताऊंगा जो हमारे इंडियन सिटीज पे लागू होते हैं, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट हैं दोनों के दोनों. तो इससे पहले जो हम लोग ने देखा था, कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल, सेक्टोरल या वेज मॉडल जिसे बोलते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, समझ में आ गया होगा कि क्या है. बुक वगैरह से भी मैंने रेफरेंस बता दिया था, आप मतलब रेफर कर सकते हो, ठीक है. वो ओके. तो वो ऑन अ लार्जर लेवल पे अगर बात करी जाए, ज्यादातर वेस्टर्न जगह पे स्टडीज हुई और उसको सामने रखा गया. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें डेवलपमेंट होता गया. तो ऐसा कहना कि वो जो मॉडल्स हैं बेकार हैं या कहीं पे लागू नहीं होते हैं एज देवर गिवन इन जनरल इन ओरिजिनल फॉर्म, तो ये गलत होगा. थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ वो हर जगह अप्लाई होते हैं, सारे के सारे. और हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि जो मॉडल्स हम लोग ने अभी तक पढ़े हैं वो अगर हम उसको मतलब नेग्लेक्ट कर दें, ऐसा नहीं है. कोई ना कोई जगह जो कभी ना कभी रही, वो किसी ना किसी टाइम पे कोई ना कोई पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो किया. एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एक रीजन है ए, वहां पे स्टार्टिंग में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो एक एक सेंटर डेवलप हुआ, राइट. मान लो लंदन, एक सेंटर डेवलप हुआ डेवलपमेंट का, फिर उसके इर्द गिर्द लोग बसते चले गए, मैन्युफैक्चरिंग और जो भी है सब होता गया, मेन एक सेंटर डेवलप हुआ. यहीं से एक जो मेन सेंटर है, इसी को हम लोग ने सीबीडी बोल दिया था अपने लेक्चर्स में. तो जो कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल था वो वहां पे लागू होता है. फिर आगे क्या हुआ, जब ये सीबीडी 30-40 सालों में, फिर ये सीबीडी कि जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम होती गई, और इसी के पैरेलल में अलग अलग और न्यूक्लियाई जनरेट होते गए, और न्यूक्लियाई जनरेट होते गए. तो जो मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी है वो एक्चुअली इसी का मॉडिफिकेशन है. जो मेन हमारा सीबीडी था वो तो एक टाइम पे था ही, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका इन्फ्लुएंस कम होने लगा. ये हम लोग नहीं कहेंगे कि पूरा खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं कहेंगे, लेकिन साथ ही में अलग सेंटर्स भी डेवलप हुए. तो मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल में ये बात बोलिए. अच्छा, पहले क्या था, कॉन्सेंट्रिक जोनेशन में एक सेंटर ऑफ डेवलपमेंट था, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम पता है मोटरवेज का डेवलपमेंट हुआ, रोडवेज कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट हुआ. कनेक्टिविटी का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो अलोंग मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, वहां पे भी हमें देखने को मिलेगा कि सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे. वहां पे भी एमिनिटीज आ रही है, फैसिलिटीज आ रही है, रेसिडेंशियल हाउसेज आ रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस, ये सब भी आ रहे. तो मेजर रूट्स हो गई, ये हुआ डेवलपमेंट. तो यही चीज को इनकलकेट किया था सेक्टोरल थ्योरी में. सो ये तीनों बातें थी, ये था, ठीक है. आज शुरू करते हैं हम लोग, लग रहा है सब अपने काम पे हैं. आज मैंने मैसेज कर दिया था वैसे बाय एंड लार्ज, चलो कोई नहीं. इंडियन मॉर्फोलॉजी, इंडियन सिटीज की मॉर्फोलॉजी शुरू करते हैं. एक हम पढ़ाएंगे बाजार मॉडल, एक पढ़ाएंगे पोर्ट बेस्ड मॉडल. ये दो मॉडल आपको याद रखने पढ़ने हैं. तो शुरू करते हैं फिर, ठीक है. चलिए, ऑलराइट. सो एक मिनट. पेन पेन पेन
मेन हेडिंग पड़ेगी आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज। मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज क्या है ये देखिए, दे आर मॉडल्स इन अर्बन ज्योग्राफी, दे आर मॉडल्स। ये मैंने लिखा दिया था क्या लीना, ये मैंने लिखा दिया था क्या? ओके ठीक है। सो डायरेक्ट पहला मॉडल देखिए, ठीक है ओके। पहला मॉडल डायरेक्ट बाजार मॉडल, बाजार मॉडल। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप लोग बनाना, ठीक है। सो एक मिनट बस। बाजार मॉडल, बाजार की आज भी रिलेवेंस है, कहीं पे भी आप देखो। सो ऑल राइट, ये एक बेसिक लेआउट है हमारे बाजार मॉडल का। इसमें जो ये बीच का सेंटर है, सो कलर चेंज कर, तो बीच का सेंटर है क्रॉस जैसा जो बना हुआ है, ये है आपका ट्रेडिशनल बाजार, ट्रेडिशनल बाजार। सो ट्रेडिशनल बाजार बोल लो या फिर ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल सेंटर एक ही बात है, ट्रेडिशनल बाजार हो गया। फिर ये जो आपके डॉटेड हैं, ये जो आपके डॉटेड डॉटेड ये सब बने हैं, ये अगर बात करी जाए, दीज आर रिच और एफ्लुएंट क्लास। तो बाजार के आसपास रिच और एफ्लुएंट क्लास। फिर ये जो क्रॉस बना हुआ है, ये जो क्रॉस बना हुआ है, दे आर दी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास थोड़ा दूर रहता है, कोर में नहीं रहता है, बाजार के आसपास। नेक्स्ट, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ करे हुए हैं, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ करे हुए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एथनिक या फिर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक सेक्शन होगा लोकैलिटी में, सोसाइटी में, जहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लोग रह रहे होंगे, जैसे पॉटर्स, पॉटर्स होंगे, फिशरमैन हो सकते हैं, मान लो फिशरमैन हो सकते हैं, या जैसे हम लोग कहते हैं वहाँ पे बंगाली लोग रहते हैं, वहाँ पे मराठी लोग रहते हैं, ऐसे होता है। सो जैसे बंगाली स्पीकिंग पीपल या पॉपुलेशन है,
बंगाली स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं वहाँ पे एक्सेट्रा, तो ये होता है कहीं ना कहीं, मतलब कुछ ना कुछ एक 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 सेक्शन होता है उसमें, वहाँ पे उसी तरीके के लोग ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं। तो ये बाजार मॉडल है, बाजार मॉडल। फिर आगे जाके क्या होता है, आगे जाके इसी रीजन्स में प्लांट एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं। यार प्लांट एक्सटेंशन, ये जो मैंने बिल्डिंग बनाई है यार, प्लांट एक्सटेंशंस, प्लांट एक्सटेंशंस, प्लांट एक्सटेंशन लिख लो। फिर कुछ पॉइंट लिखा रहे, अभी बन जाए लेना तो बता देना, बना लो। एग्जैक्टली तो आप लखनऊ के बारे में जानते हो? वाह क्या बात है, सही है, यू आर इन लखनऊ ना। ओके 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 ओके, तब सही है। फिर आई थिंक ज्यादातर जो लोग यहाँ आते हैं वो, ओके योर फैमिली से, ओके ओके वाह बढ़िया। किसी दिन मिलते हैं आपसे फिर, ठीक है? चलिए लिखिए यहाँ पे, ट्रेडिशनल बाजार के अंडर में कुछ पॉइंट्स लिखा दें। ट्रेडिशनल, पेन चेंज कर, चलिए ट्रेडिशनल बाजार अलग से सेपरेट कहीं लिख सकते हो, या फिर जगह हो तो वहीं लिख लेना, चाहो तो अलग ही से लिखो। ट्रेडिशनल बाजार की अगर बात करें, ट्रेडिशनल सेंटर की बात करें, तो दीज आर नॉट लाइक मॉडर्न, दीज आर नॉट लाइक मॉडर्न सीबीडीज, मॉडर्न सीबीडीज, क्योंकि हमने देखा था कि मॉडर्न सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में क्या था कि रात होते ही दे बिकम डेड सिटीज, जस्ट लाइक अमेरिकन सिटीज। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो महफिल जमती है वो रात को ही जमती है। सो जब शाम धीरे धीरे ढलने लगती है, तब ये जो बाजार है अपनी पूरी चकाचौंध में आते हैं। सो दे आर नॉट लाइक मॉडर्न सीबीडीज, राइट? तो ये हम लोग उसको सीबीडी से कंपेयर एज सच नहीं करेंगे। दे हैव नॉट हाई राइजेस बिल्डिंग, दे हैव नॉट हाई राइजेस बिल्डिंग, बिल्डिंग्स वगैरह कहाँ होती है वहाँ, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं जैसे कि सीबीडीज में हुआ करती है। दे आर लाइक मोर लाइक कल्चरल सेंटर्स, दे आर लाइक कल्चरल सेंटर्स, ये अच्छा शब्द है, कल्चरल सेंटर्स। हाँ जी एग्जैक्टली, यू गॉट इट राइट, अमीनाबाद चौक, बहुत बढ़िया। दे आर लाइक कल्चरल सेंटर्स। फिर अब जब जिक्र हो गया है, दे हैव नैरो रोड्स, गली होती है कितनी ज़्यादा, नैरो रोड्स होती हैं, कंजेशन की प्रॉब्लम होती है, क्राउडेड सिटीज, मतलब क्राउडेड एरियाज हैं, क्राउडेड एरियाज हैं। कोरोना वोरोना का है किसी को डर नहीं होता है। दे आर पार्ट ऑफ सम ओल्ड सिटीज, पार्ट ऑफ सम ओल्ड सिटीज। सो चांदनी चौक, अगर आपने दिल्ली में विजिट किया हो, चांदनी चौक, और अपने लखनऊ में अमीनाबाद, अमीनाबाद, ये सब है इस ट्रेडिशनल सेंटर, ट्रेडिशनल बाजार के बारे में कुछ बातें। दो तीन और पॉइंट्स लिख लीजिए, देन वील मूव ऑन टू आर नेक्स्ट मॉडल। लिख लिया, ठीक, कूल, नेक्स्ट पॉइंट लिखे जरा। अराउंड द बाजार हाउसेज ऑफ रिच और एफ्लुएंट पॉपुलेशन, रिच और एफ्लुएंट पॉपुलेशन, रिच और एफ्लुएंट पॉपुलेशन बेसिकली अगर बात करी जाए, हाय पढ़ना, गुड आफ्टरनून, बेसिकली अगर बात करी जाए, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ,
दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ नोबल्स। नोबल्स आपने देखा होगा इन एरियाज में हवेली वगैरह रहती है, हवेली हवेली वगैरह रहती है, यहाँ पे भी है। पुरानी भले हो गई हूँ बट हवेली वगैरह रहती, तो उसमें ये लोग रहते हैं और किराए पे मतलब उसमें दुकानें दे देते हैं, किराए पे दुकानें चलाने को देते। तो काफी ज्यादा यहाँ पे बारादरी वगैरह है, अमीनाबाद में कई ऐसी जगह हैं पुरानी पुरानी। एक टाइम पे हवेली हुआ करती थी, राजा के अंडर में जो काम करते हैं वो लोग रहा करते थे। सो ये चीज़ है हवेली। उसके बाद तो ये जो ये अराउंड द बाजार है, जो डॉट्स हैं दे रिप्रेजेंट दी रिच और एफ्लुएंट क्लास उसी के आसपास। इसके बाद जो मैंने प्लांट एक्सटेंशन लिखा है, वो प्लांट एक्सटेंशन का मतलब क्या है? सो प्लांट एक्सटेंशंस में आप लिख सकते हो, प्लांट एक्सटेंशंस जब ये ब्रिटिशर्स आए इन्होंने ऐसा किया, सिविल लाइंस यहीं पे लगाई, सिविल लाइंस उसी के आसपास, सिविल लाइंस कैंट एरियाज, कैंट एरियाज सिविल लाइन, कैंट एरियाज रेलवे कॉलोनी बसाई। तो ये है मेरा, जब मैं बोलता हूँ प्लांट एक्सटेंशन का ये मतलब है यहाँ पे रेलवे कॉलोनीज। सो ये अगर बात करी जाए इंडिया में, इंडिया में अगर बात करी जाए काफी बड़े पैमाने पे ऑलमोस्ट हर जगह ये पाया जाता है, चाहे हैदराबाद हो, चाहे आपका चाहे यूपी हो मतलब नॉर्थ इंडिया हो, चाहे साउथ इंडिया हो, आपको दोनों जगह ये मतलब दोनों पार्ट में इंडिया के ये चीज देखने को मिल जाएगी। सो इंडिया के अलावा और कहाँ ये आपको लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी मिल जाएगा। सो नोट करके लिख लीजिए, अदर देन इंडिया लैटिन अमेरिका मैक्सिको वगैरह में देखने को भी मिल जाएगा। मैक्सिको वगैरह में भी मार्केट बीच में रहती है, सेंटर में रहती है। सो लैटिन अमेरिका में देखने को मिल जाएगा और साउथ ईस्ट एशिया में भी ये कई कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा। सो ये आपका हो गया पहला मॉडल। सो पढ़ना यहाँ पे हम आज मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज में दो मॉडल बताएंगे। एक मॉडल है बाजार मॉडल जो कि अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, दूसरा है पोर्ट बेस्ड मॉडल। ओके तो जो स्टार्टिंग का है थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। अब नया हेडिंग डालिए पोर्ट बेस्ड मॉडल। सो दिस इज डन बाजार मॉडल। सो एक एक पन्ना छोड़ दो, एक पन्ने में आ जाएगा। नेक्स्ट डालो पोर्ट बेस्ड मॉडल। पोर्ट बेस्ड मॉडल तो पहले हम बना लें, उसके बाद आप लोग बनाना। पोर्ट बेस्ड मॉडल, बना लो आप लोग।
ये पोर्ट बेस्ड मॉडल की अगर बात करी जाए, समझ में ही आ रहा आपको? पोर्ट बेस्ड मॉडल बेसिकली यहाँ पे पोर्ट डेवलप किया गया, उसके अराउंड जो है प्लानिंग करी गई। सो ये आपको कोलकाता और चेन्नई में देखने को, एसेट्रा, कोलकाता चेन्नई एसेट्रा, जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ने किया था। सो एक तरफ सी है, तो पी है डिनोट्स पोर्ट, पोर्ट के अराउंड फोर्ट, फोर्ट के आगे खुला मैदान, ओपन स्पेसेस, मैदान। सो वाई ओपन स्पेसेस, वाई मैदान? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस, टू प्रोटेक्ट द फोर्ट। अगर कुछ युद्ध होता है तो फोर्ट और लोगों के बीच में एक डिस्टेंस रहे, वहीं पे जो है ब्रिटिशर्स ठोक दें सबको। सो मतलब अच्छा खासा एक डिस्टेंस रहे दोनों के बीच में, इसलिए ओपन स्पेसेस मैदान किए गए थे फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ फोर्ट्स। फिर यहाँ पे अगर बात करी जाए, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये दिस वन, सो ये पोर्ट का ही एक्सटेंशन है, पोर्ट एक्सटेंशन। फिर यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है ये चेकर शेप में, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव रेसिडेंस, तो ऑफिसर वगैरह रहते थे यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव रेसिडेंस। फिर ये जो हैश बनाया मैंने, ये क्या है? दीज आर लोकल मार्केट्स। एंग्लो इंडियन रेसिडेंस आई थिंक समझ में आ रहा है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लोग, उनकी फैमिली, और जो बहुत ही डिवोटेड हैं ब्रिटिशर्स के लिए उनकी फैमिली, इंडियंस की। ये हो गया प्लांट एक्सटेंशन, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे कॉलोनीज और कैंट एरियाज, सिविल लाइंस, ये हो गया। नेटिव टाउन समझ में आ रहा होगा, ये ओल्ड टाउन्स हैं मुगलों के ज़माने वाले, ओल्ड टाउन्स। सो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, दे लैक एमिनिटीज़, पानी वानी की व्यवस्था नहीं होगी, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, गरीबी होगी, कंजेशन होगा, मतलब जो भी सोच सकते हो सब होगा। सो लैक ऑफ एमिनिटीज इन दीज ओल्ड टाउन्स या फिर नेटिव टाउन्स। सो पोर्ट बेस्ड मॉडल है, इसमें कुछ मैं लिखा नहीं रहा हूँ, सीधे सिंपली खुला हुआ है चीज़। सो अब क्या करो आप लोग, माजिद हुसैन निकालो। माजिद हुसैन, पेज नंबर 433 पे आइए, पेज नंबर 433। पेज नंबर 433 पे एक देखिए डायग्राम बना हुआ है पोर्ट बेस्ड मॉडल का। पेज नंबर 432 पे आओगे तो लास्ट पैरा देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज मिल गया ये सबको, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज, पेज नंबर 432। ठीक, बढ़िया। सो देखिए उसमें क्या लिखा है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ ओल्ड इंडियन सिटीज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। इन ऑलमोस्ट ईच ओल्ड सिटी देर इज अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट ऑफ हिंदू रिलीजन, लाइक प्रेजेंस ऑफ पैलेसेस, टेम्पल्स, धर्मशाला, पॉन्ड, सेक्रेट ग्रूव्स, क्रीमेशन ग्राउंड्स। द मेडिवल सिटीज डिस्प्ले अ डोमिनेंट इस्लामिक इन्फ्लुएंस। सो पहले ओल्ड इंडियन सिटीज मतलब एशियंट वाली, इसके बाद मेडिवल वाली की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं।
डोमिनेंट इस्लामिक इन्फ्लुएंस बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर सेंट्रल मॉस्क, जामा मस्जिद जैसे बाजार क्लोज टू द मॉस्क, मीना बाजार इज द इन द फोर्ट और नियर द पैलेस एंड एन इरेगुलर स्ट्रीट पैटर्न. नेक्स्ट पैरा, द सिटीज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, चर्चेस, बंगलो, सेंट्रल मार्केट दैट इज सीबीडीज, मॉल रोड, रेलवे कॉलोनी एंड पार्क. फिर दो लाइनें छोड़ दो. Many indigenous cities developed along important trade routes and are centered on a bazaar market that today often offers a wide variety of retail outlets and accommodations. Close to the bazaar, there are high quality residences and housing quality generally declines with increasing distance. There are also enclaves, jo maine circle banaya tha bazaar model mein. There are also enclaves scattered throughout the city for minority ethnic groups and people of low caste. So, आपको समझ में आया? ये पैरा में बाजार मॉडल को इनडायरेक्टली बोल दिया है. अभी जो मैंने बाजार मॉडल पढ़ाया था उसको यहाँ पे इस पैरा में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया है, बोल दिया, समझा दिया है. तो अलग से इन्होंने नहीं लिखा है, तो आप लोग वहीं पे उसको मार्जिन में लिख लो, बाजार मॉडल. तो अभी जो मैंने इससे पहले बाजार मॉडल पढ़ाया था, बताया था, तो ये इसमें आपको पूरा मैटर मिल जाएगा. ठीक, सो ऑल राइट. इसके बाद देखिए, इसके बाद मोस्ट ऑफ द, मतलब ये सेकंड पैरा पेज 433 में, मोस्ट ऑफ द मेजर कॉलोनियल सिटीज इन इंडिया आर कोस्टल एंड आर यूजुअली इन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लोकेशन. अब ये बताने जा रहा है पोर्ट बेस्ड मॉडल को, लास्ट पैरा इसी का 433 का. इन फिगर दिस द सेंटर वाज अ मिलिट्री फोर्ट एडजेसेंट टू ओपन स्पेस, बियॉन्ड द ओपन स्पेस देयर वर सेवरल सेक्टर्स इंक्लूडिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, रेसिडेंशियल हाउसिंग एरिया फॉर इंडिजिनस पॉपुलेशन. इसका मतलब है नेटिव टाउन है एंड एन एरिया ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट, मतलब एंग्लो इंडियन रेसिडेंसेस. The outer fringe of the city comprised a series of residential areas. Today, most of these cities are surrounded by slums and squatter. Moreover, the ethnic diversity dominates this model. There is a port zone as well as series of other zones and sectors, so on. ठीक है, इतना काफी है. So, I think ये दोनों मॉडल समझ में आ गए होंगे. ठीक है. हाँ बिल्कुल, कोस्ट आ गए, बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि बेसिकली वो क्या थे, पहले ट्रेडर ही तो थे, तो ट्रेड करने के लिए पोर्ट, और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कहा कि अब इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो फोर्ट बनाया, फिर मैदान. ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट. नाउ नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. इसी को बोलते हैं सिटी रीजन्स, इसी को बोलते हैं अमलैंड. ये पूछा है आपके पीसीएस में, अमलैंड. इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस. इतनी चीजें पूछता है, मतलब इतनी चीजें हैं एक ही का मतलब. पहले पॉइंट्स लिखो, पहले पॉइंट्स लिखो. अमलैंड, अमलैंड फर्स्ट कॉइंड बाय, फर्स्ट कॉइंड बाय अ फ्रेंच नेम आंद्रे फेलिक्स, फेलिक्स. बट इन्होंने तो शब्द का इजाद किया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था, द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ट्रेस्ड बैक टू, ट्रेस्ड बैक टू जर्मन रूट्स, मतलब
जर्मनी में कॉन्सर्ट बहुत पहले ही से ही चला आ रहा था, तो फ्रेंच वाले ने इसको नाम दे दिया। जब इसमें इसकी स्टडी अमेरिका में करी गई, तो अमेरिकन्स कॉल्ड दिस एज, अमलैंड नहीं बोला इन्होंने, क्या बोला, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, या फिर सिटी रीजन्स, सिटी रीजन्स, या अमेरिकन ने बोला। अब ये है कि अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। द एरिया और रीजन टिल वेयर अ सिटी और एन अर्बन सेंटर मतलब अर्बन एरिया एक्सर्ट्स एक्सर्ट्स इस इट्स इकोनॉमिक इकोनॉमिक सोशल सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या सिटी रीजन या अमलैंड क्या है? द एरिया या फिर रीजन टिल वेयर अ सिटी और एन अर्बन सेंटर एक्सर्ट्स इट्स इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अरे अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी बस लिखते रहो, आराम से आएगा समझ में। दे दीज आर रीजन वेयर द लैंडस्केप, रीजन वेयर द लैंडस्केप एंड इट्स एलिमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिटी, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिटी एंड इट्स हिस्ट्री एंड एक्टिविटीज। दीज आर द रीजन्स वेयर द लैंडस्केप एंड इट्स एलिमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिटी एंड इट्स हिस्ट्री एंड एक्टिविटीज। एग्जैक्टली अपर्णा, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये हम लोग ने पहले भी सुना था, ये कॉन्सेप्ट भी सुना था, लेकिन वहां पे इतना डिस्कशन नहीं किया था। सो सीन क्या है? सीन ये, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली केवल दिल्ली तक नहीं सीमित है, जो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री है वहां तक नहीं सीमित है, बल्कि दिल्ली का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इट इज मोर देन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ दिल्ली। सो कई और जगह तक वो जाता है, कई और जगह तक एक्सपैंड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग उसको समझ पा रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये था सीबीडी, सीबीडी सीबीडी, चलो ये फिर हमने मान लिया ये सीबीडी था, और ये उसकी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर था, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर, मतलब इसके आगे फिर दूसरा नाम लग जाएगा, दूसरा नाम लग जाएगा। लेकिन क्या दूसरा नाम लगने के साथ क्या इसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा? नहीं, ये बल्कि इससे और आगे तक जाता है, ये इससे आगे तक जाता है। मतलब ये जो है पूरा, ये है पूरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यही है आपका अमलैंड, ध्यान रखना अमलैंड, यही आपका सिटी रीजन, सिटी रीजन। सो मतलब यहाँ पे तो है ही है ये, इसका जो आसपास का एरिया जहां तक इसकी बाउंड्री वहां तक तो है ही है, लेकिन जो ये है ये किसी और के में क्लैश हो रहा है, बट स्टिल वहां पे इसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। सो दीज रीजन्स एक्सटेंड बियॉन्ड द सीबीडी, हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है, दीज रीजन्स एक्सटेंड बियॉन्ड द सीबीडी या एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल बाउंड्री। सो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एज अ कॉन्सेप्ट आपको ये सीबीडी, अरे अमलैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या? थोड़े से, बहुत बढ़िया।
अच्छा एक बात बताओ, हम इस सिटी रीजन को, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को क्यों स्टडी करें? एक बात सोचिए जरा, व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट सिटी रीजन? व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट द सिटी रीजन? व्हाई? क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सीन क्या है, सीन ये है कि हमने आप लोग को पढ़ाया था, हमने आप लोग को बताया था कि रूरल और अर्बन में अगर बात करी जाए तो रूरल इकोनॉमी हम लोग कह सकते हैं सेल्फ सफिशिएंट है, वो इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगी गुड्स और सर्विसेज के लिए दूसरे रीजन्स पे। वेयर एज अर्बन सेंटर्स की बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो भैया उनके फंक्शंस ही डिपेंड करते हैं इंटरेक्शन पे आसपास के एरियाज के। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एवरी सिटी इज बेस्ड ऑन सम टाइप ऑफ फंक्शंस, सम टाइप ऑफ फंक्शंस वेयर द सिटी इंटरैक्ट्स, वेयर द सिटी इंटरैक्ट्स विद इट्स एडजॉइनिंग एरियाज, विद इट्स एडजॉइनिंग एरियाज। तो हम इसको सिलोज में सोच ही नहीं सकते हैं क्योंकि एडजॉइनिंग एरियाज के साथ ये लगातार इंटरैक्ट करती रहती है। तो मैंने अभी क्या बोला, मैंने कहा रूरल जो इकोनॉमी है इट कैन बी सेल्फ सस्टेन्ड। सेल्फ सस्टेन मतलब अपने ही में क्रॉप उगा रहे हैं, अपने ही में कंज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक। सो प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय इटसेल्फ डज नॉट डिपेंड ऑन अदर एरियाज। वेयर एज अगर हम बात करें अर्बन रीजन्स की, अर्बन रीजन्स की, तो भैया यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ लोगों का भी मूवमेंट हो रहा है, पीपल। सो जब इतना मूवमेंट हो रहा है, इतना इंटरेक्शन हो रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज ये लेते भी हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोवाइड भी करते हैं। जैसे आपने दिल्ली का एग्जाम्पल है तो एम्स है वहाँ पे ना, एम्स, तो वहाँ से पूरे भारत के लोग विदेश से भी आते हैं, भारत के भी आते हैं। तो दिल्ली का एम्स हो गया, तो दिल्ली की जनता के साथ साथ ये लोग बाहर के लोगों को भी केटर कर रहे हैं, तो सर्विस है एक तरीके की प्रोवाइड कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जाता है, सो गुड्स हो गए, लोग आते हैं वहां काम करने, पीपल का मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो अपना अमलैंड है, ये जो अपना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ अमलैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ अमलैंड हेल्प अस टू अप्रिशिएट दिस इंटरैक्शन, हेल्प्स अस टू अप्रिशिएट दिस इंटरैक्शन। ये जो इंटरैक्शन हो रहा है ना, ये अपने को समझने में आसानी करता है, आसान रहता है। और यहीं पे बैंगलोर के एमएनसीज भी लिख सकते हो, कितने लोग उसमें जॉब करते हैं बाहर से आके, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाहर को। एमएनसीज भी मेंशन कराया जा सकता है बैंगलोर का, गुरुग्राम का, जो भी है सोच सोच सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे जो बहुत जबरदस्त चीज है वो ये है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी रीजन, द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी रीजन्स हेल्प्स इन द प्लानिंग ऑफ द सिटी इन अ बेटर वे। ये कीवर्ड है यहाँ, बोला भी आप लोगों ने, प्लानिंग द सिटी इन अ बेटर वे। क्योंकि भैया ऐसे चलता रहेगा तो कैसे काम हो पाएगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बाहर से, तो अपने को जब पता रहेगा कि कितना इन्फ्लुएंस है इसका, ठीक है, तो इसकी हम लोग प्लानिंग भी उसी तरीके से कर पाएंगे। सो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग द सिटी, जैसे आप फ्यूचर इमिग्रेशन ट्रेंड को देख लेंगे कि भैया एक साल में इतना आ रहा है तो आगे जाके इतना हो सकता है, तो वैसे ही घर बनाएंगे, वैसे ही जमीन एलोकेट करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वैसे ही प्लान करेंगे कि लोगों की क्या डिमांड है,
कैसी सर्विस चाह रहे हैं, कैसी अमेनिटीज चाह रहे हैं, तो वो फ्यूचरिस्टिक है थोड़ा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी है कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे आगे जाके डेवलप हो सकती है, ये सब है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सो कंजेशन से निपटने के लिए जो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, कंजेशन कंजेशन इन्वायरमेंट इकॉल इन्वायरमेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। एंड टू बेटर मैनेज द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, एंड टू बेटर मैनेज द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़। सो ये अमलैंड अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल हमें मल्टीपल न्यूक्लियाई ग्रोथ करानी पड़ेगी, मल्टीपल न्यूक्लियाई सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। सो आई थिंक ओके, बाय एंड लार्ज आपको समझ में आ गया कि सीन है क्या। चलिए एक अब जनरल डिस्कशन और इसी पे, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, अब बस आगे चीजें लिखते जाइए। पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे इन द ओल्डर डेज द इन्फ्लुएंस ऑफ सिटी वॉज लिमिटेड, द इन्फ्लुएंस ऑफ सिटीज वॉज लिमिटेड। अच्छा सर, ऐसी बात है, बिल्कुल। वाई? बिकॉज ऑफ लिमिट्स इन ट्रांसपोर्टेशन, लिमिट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। सो एनसीईआरटी में अगर आप लोग को याद हो, हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया था, तो ये अमलैंड का कॉन्सेप्ट, सिटी रीजन का कॉन्सेप्ट वहां जोड़ सकते हैं, कनेक्ट हो जाएगा अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल। हाँ बिल्कुल, टोपोफिलिया बोलते हैं, अभी आगे आएगा वो। सो इन द ओल्डर डेज द इन्फ्लुएंस ऑफ सिटीज वॉज लिमिटेड, दैट इज लिमिट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरी चीज ये है, द बाउंड्रीज वर मोस्टली द फिजिकल बैरियर, मोस्टली द फिजिकल बैरियर। अच्छा सर, हाँ जी, फिजिकल बैरियर बहुत बड़ी बाधा थी। मान लो ये सिटी है और ये इसका अमलैंड यहीं पे रुक गया, क्यों? ये मान लो यार रिवर आ गई, मान लो माउंटेन आ गया, तो ये सिटी रीजन यहीं रुक गया, अमलैंड रुक गया यहीं पे। फिर मान लो कि फॉरेस्ट आ गए, ये सब क्या है? ये सब क्या है, फिजिकल बैरियर से ये रुक गया, ट्रांसपोर्टेशन इतना डेवलप ही नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, दी अब क्या हुआ, विद एक्सपेंशन ऑफ मोटरवेज, विद एक्सपेंशन ऑफ मोटरवेज, ये अराउंड 1930s 1940s की बात हो रही है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड, बढ़ गया भैया, बढ़ गया। और मजे की बात क्या है, अब देखो, एंड बाउंड्रीज बिटवीन सिटीज क्या हो गया पता है, ओवरलैप्ड एंड गेट ब्लर्ड। अब तो ये हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? एक्सपेंशन ऑफ मोटरवेज, कार आ गई, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया सबके पास, आसानी से मूवमेंट हो रहा है, तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज, एंड बाउंड्रीज बिटवीन सिटीज हैव ओवरलैप्ड एंड ब्लर्ड एंड बिकेम ब्लर्ड। तो एक डायग्राम बना लो, ये जो पैरा लिखा है उसी में समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे एक रीजन है ए, यहाँ पे एक रीजन है बी, ये ऊपर इधर रिप्रेजेंट है इन्फ्लुएंस, तो इधर है इन्फ्लुएंस ऑफ ए, इधर है इन्फ्लुएंस ऑफ बी, और ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ डिस्टेंस,
डिस्टेंस। सो यहां से अगर शुरुआत करें ए से, बिल्कुल यहाँ डिस्टेंस, तो यहाँ मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होगा डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के साथ ए का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, ए का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। फिर यहाँ से बी से शुरुआत करें तो बी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के साथ इधर जाते जाएंगे तो कम होता जाएगा। एक रीजन ऐसा आएगा जहां पे हमें ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, मतलब बी के भी एलिमेंट देखने को मिलेंगे एंड एंड ए के भी देखने को मिलेंगे। दिस इज ओवरलैपिंग, दिस इज ओवरलैपिंग ऑफ द सिटी रीजन्स। दिस इज द ओवरलैपिंग ऑफ द सिटी रीजन्स। इतना हो जाए तो बताना। ये डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ए पे देखोगे तो राइट की तरफ मूव करोगे, बी को देखोगे तो लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, है ना? तो इसमें इतना वैसी बात नहीं है। इस ये एक्चुअली दो चीजों को एक साथ प्लॉट कर दिया गया है, तो इसको एक रेफरेंस से नहीं देखना है, इसको एक ए को देखोगे तो इधर देखना पड़ेगा, बी को देखोगे तो बी को देखना पड़ेगा। चलो अब इसी में लिखिए, अ सिटी, अ सिटी और एन अर्बन, अर्बन एरिया, सिटी और अर्बन एरिया एग्जिस्ट्स एग्जिस्ट्स इन एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। अभी जस्ट पहली लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी, इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद इट्स एडजॉइनिंग एरियाज, विद इट्स एडजॉइनिंग एरियाज। ठीक है सर, हम जानते हैं एडजॉइनिंग एरियाज। अब देखो सिटी रीजन्स जो है दो तरीके के फंक्शंस करते हैं। सिटी रीजन्स क्या है सर? दो तरीके के फंक्शंस या इंटरैक्शंस, टू इंटरैक्शंस, टू इंटरैक्शंस। क्या सर ये टू इंटरैक्शन क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है सिटी कुछ इंपोर्ट कर सकती है, सिटी कुछ एक्सपोर्ट कर सकती है, बस बेसिक बात है। दो इंटरेक्शन का क्या मतलब है? सिटीज कुछ इंपोर्ट कर सकती है, सिटी कुछ एक्सपोर्ट कर सकती है। इंपोर्ट मान लो रॉ मटेरियल कर सकती है, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर सकती है। एक्सपोर्ट मान लो कि सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है, एडुकेशन एक्सपोर्ट कर रही है, वहां के आके लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं सिटी के, यहाँ पे सिटी, सिटी रीजन के दो फंक्शंस होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ सिटी फंक्शन, सिटी फंक्शंस। एक होता है बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन। एक होता है नॉन बेसिक फंक्शन, नॉन बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन क्या होता है? सिंपली बहुत आसान है कॉन्सेप्ट सारे। बेसिक फंक्शन होता है जिससे सिटी को रेवेन्यू मिले, समथिंग दैट जनरेट्स रेवेन्यू। तो बाय एंड लार्ज ये वही चीजें होती हैं जो एक्सपोर्ट करी जाती है ना, एक्सपोर्ट करोगे तो रेवेन्यू मिलेगी, कॉमन सेंस। सो रेवेन्यू जिससे मिले वो सारी सर्विसेज गुड्स जो भी है वो बेसिक फंक्शन है। नॉन बेसिक फंक्शन की बात करी जाए, नॉन बेसिक फंक्शन दैट डजेंट जनरेट रेवेन्यू। बस इतना याद रखिए, आगे काम हो जाएगा। दैट डजेंट जनरेट रेवेन्यू, और बल्कि हमें देना पड़ जाता है, ठीक है, देना पड़ जाता है। जैसे हेल्थ केयर है, सरकारी हेल्थ केयर है, सरकारी एजुकेशन है, वो मतलब आपको देना ही देना। फिर पुलिस का हो गया, समझ रहे हो, पुलिस का, सिक्योरिटी का, ये मतलब सरकार करना ही करना है, खर्च होना ही होना है। सो दे आर नॉन बेसिक फंक्शन, राइट? सो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो उसमें तो जाहिर है कुछ जनरेट नहीं हो रहा रेवेन्यू, ये सब चीज़ें हैं। तो सर आपने ये क्यों पढ़ाया दोस्तों? बेसिक फंक्शन और नॉन बेसिक फंक्शन ये मैंने इसलिए पढ़ाया है, अभी हमने जस्ट आपको बताया अमलैंड, सिटी रीजन। तो अब हम क्या बताएंगे, आप कैसे सिटी रीजन्स को डिमार्केट कर सकते हो। नेक्स्ट ये टॉपिक चलेगा, इसको हम कल पढ़ाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि आप पढ़ना क्या है?
हम लोग अब देखेंगे कि कितना एरिया जा रहा है ये यार, ये वाला देखिए, तो ये कितना एरिया जा रहा है, कब हम लोग कह रहे हैं अच्छा ये इसका इन्फ्लुएंस ऑफ एरिया इसका एमलैंड है, तो ये हम लोग अब पढ़ेंगे कैसे डिमार्केट किया जा सकता है सिटी रीजन को, मेथड्स एंड टेक्निक्स। हाँ लीना, यस यू कैन से यस। सो बेसिक फंक्शन, नॉन बेसिक फंक्शन, सो इंटरैक्शन सॉर्ट ऑफ। हाँ सो ठीक है, आज का लेक्चर समझ में आ गया। कल अब हम लोग थोड़ी थ्योरीज पढ़ेंगे कि कैसे हम सिटी रीजन को डिमार्केट कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा, जिनका छूटा है रिपीट देख लीजिएगा, रिवीजन करिएगा। ठीक, तो सही है, बाकी कोई डाउट हो कहाँ पूछना है कहाँ बात करनी हो, पीपल बेटर अंडरस्टैंड। सो ओ थैंक यू सो मच। सो चला जाए अब, और चलिए ठीक है, ठीक ठीक बाय 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 बाय।